एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो किया हुआ है डिप्रिसिएशन। T.S. ग्रेवल की बुक से हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, स्ट्रेट लाइन मेथड है उससे करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। समीर एंड ब्रोस परचेज आ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2021 एट अ कॉस्ट 1,40,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। राइट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। बुक्स क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। शो मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। अब देखो हमें इसमें क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कौन सा है, ये इलस्ट्रेशन 3 है। हमें क्या बनाना है, पहले मशीनरी अकाउंट बनाना है। आप स्ट्रक्चर देखो अपना अपने उससे बनाओगे, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे आप रुपीस लिखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर। पहले आप स्ट्रक्चर अपना पूरा अच्छे से बना लेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमको 3 साल के अकाउंट्स बनाने हैं, 3 ईयर्स के। सबसे पहली बात कि आपको क्वेश्चन के अंदर जब डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको मेथड चेक करना है कि कौन से मेथड से आपको क्वेश्चन करना है। इसमें इन्होंने बोला था ओरिजिनल कॉस्ट से। कौन सा बोला था? ओरिजिनल कॉस्ट से। जब आपका ये हमारा कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड है, तो जो फर्स्ट मेथड ओरिजिनल कॉस्ट होता है, तो अब जितनी भी अभी तो इसमें आपने एक ही मशीनरी परचेज करी थी ना, इसमें कोई सेल करी है और ना ही आपने कोई और नेक्स्ट मशीनरी, कोई एडिशनल मशीनरी परचेज करी है। तो इस वाले मेथड में रिटर्न जो नेक्स्ट मेथड होगा उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना। ओरिजिनल कॉस्ट में जितनी भी आप मशीनरी खरीदोगे उनकी कॉस्ट अब नीचे वर्किंग नोट में आप अलग अलग उसकी डेट, फर्स्ट मशीनरी आपने खरीदी जब हमने रीड करा 1 अक्टूबर 2021, ये कितने की खरीदी? 1,50,000 की। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई मशीनरी खरीदते हो, हमने खरीदी कितने की थी? 1,40,000 की, और 10,000 इसकी इंस्टॉलेशन के लिए पे किए थे। जब भी कुछ खरीदते हैं आप मशीनरी या फिक्स एसेट, उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस उसकी कॉस्ट में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट आपको ओरिजिनल कॉस्ट से जब आपको क्वेश्चन करोगे तो नीचे मशीनरी, जितनी मशीनरी खरीदते जाओगे उसके ऐसे कॉलम बनाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें हर बार जितने भी ईयर्स के अकाउंट्स बनेंगे इस वाली कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन काउंट करना है आपको। तो बस 1,50,000 सबसे पहले डेट हम क्या डालेंगे यहाँ पर, 1 अक्टूबर यहाँ पर डालोगे 2021 या 1 अक्टूबर। अब सीधी सी चीज़ है, जब मशीनरी अकाउंट बनाओगे, मशीनरी जब हमारे बिजनेस में आएगी, इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में, और अगर कोई इसकी वैल्यू कम होती है, बिक जाती है, सेल हो जाती है, ये डिप्रिसिएशन लगता है, तो उसकी एंट्री इस साइड होगी। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट, कितना? 1,50,000। अब सबसे पहले ईयर एंडिंग का सेशन लिखोगे, 21 को स्टार्ट हुआ ये, ईयर एंडिंग कब होगा? 2022 को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मार्च आ जाएगा, 31 मार्च। 31 मार्च को आप यहाँ पर क्या लगाओगे? बाय डेप्रिसिएशन। अब किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? इसके ऊपर लगेगा। पहला डेप्रिसिएशन इस यहाँ वाली डेट से और यहाँ वाली डेट को कंपेयर करके लगाओगे। यहाँ पे क्या है? 1 अक्टूबर है और यहाँ पर क्या है? मार्च है। 1 अक्टूबर, अक्टूबर से लेके मार्च तक मंथ काउंट करोगे तो कितने मंथ आ गए? 6 मंथ, 6/12, और कितने परसेंट रेट था? 10%। तो बस इसको कट करो तो आपका डिप्रिसिएशन आ गया पहला 7,500 रुपीज़ का। तो बस बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट लिखा यहाँ पर, 7,500 का लगा, कितने मंथ का? 6 मंथ का। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा बाय बैलेंस CD, कितना? 150 में से आप इसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? 1,425। अब इसके बैलेंस को आप इक्वल कर दो। ये हमारा पहला सेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम इसी बैलेंस को आगे ले आएंगे। ये 31 मार्च 2022 है, अब 2022 ही रहेगा और नेक्स्ट डे हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बैलेंस BD, कितना? 1,425,000। अब बीच में कोई और नहीं खरीदी है तो बस ये वाला सेशन 22 को स्टार्ट हुआ। ईयर एंड कब खत्म होगा? ये 23 मार्च को। तो
यहाँ पर फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप पूरा पूरा वर्ड लिखोगे। मेरा मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का क्या रहेगा कि आपको समझाना है कि कौन सा अमाउंट और कौन सी एंट्री कैसे आई है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर क्या होगा, पूरे सर डेप्रिसिएशन हमारा कौन सा मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा हमें जो स्टार्टिंग में आपने मशीनरी खरीदी उसी के ऊपर लगेगा। आपको कितना लगेगा, वही 1,50,000 के ऊपर। डेप्रिसिएशन लगाते टाइम हमेशा डेट कंपेयर करनी है, यहाँ 1 अप्रैल से स्टार्ट है और ये 31 मार्च है, तो पूरे 12 मंथ्स बन रहे, कोई टाइम पीरियड नहीं लगेगा। बस 1,50,000 का 10% आप करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15,000। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। अब इसमें से इस 14,250 में से इस 15,000 को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा, इसको बराबर कर दो। यहाँ पे ये बैलेंस, ये वाला सेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। अब हमें 3 साल के बनाने हैं। 31 मार्च था ये, 31 मार्च से नेक्स्ट डे हमारा न्यू सेशन 23 रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितना आ गया, इसमें से आपने माइनस किया था, देख लेते हैं हम एक बार, ये 20 से 20, 5 का 5, 12 माइनस 5 7, यही वाला ही आ रहा है, 12,750। अब फिर से हमें 3 ईयर्स का, ये वाला ईयर एंड कब होगा, 23 से स्टार्ट हुआ 24 को, 2024 और 31 मार्च, फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन, फिर से किस पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट है नीचे वाली वैल्यू पे, 1,50,000 के ऊपर 10%, 15,000। अब यहाँ पे फिर से बाय बैलेंस, बैलेंस सीडी हमेशा 31 मार्च को ही निकलता है, तो अब इसमें से 12,750 में से 15,000 माइनस कर देंगे, 20 से 20 गई, 5 का 5, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 1, ये आपका टोटल आ गया 1,275,000। ये तो हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट। अब इन्होंने इस क्वेश्चन की, ये 3 साल के बन गए, 1, 2, 3, बस हमें ये, बस मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है डेप्रिसिएशन काउंट करते टाइम, जब भी 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा तो आपको इस वाली डेट से और इस वाली डेट के बीच में जितना टाइम पीरियड बनता है उतने टाइम का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, ओरिजिनल कॉस्ट में नीचे वाली वैल्यू पे लगाना है। अब एक चीज़ इन्होंने इसमें ये भी बोली थी कि आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, मतलब जबकि एग्जाम में डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं आता है। बस मैं 1 साल का आपको बना के दिखा रही हूँ कि कैसे किया हुआ है, बाकी आप बुक में से ही कर लेंगे। जैसे हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सस्पेंस अकाउंट सिखाया था, सेम वैसे ही है ये भी। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट ऐसे आप पूरा लिख लेंगे ऐसे ऊपर, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं आता है एग्जाम में, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा, डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस, बस आपका ये 3 सेशन है। तीनों सेशन में जहां जहां डेप्रिसिएशन है, सबसे पहला डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या है, राइट साइड है ना, तो राइट का क्रॉस मत है, अकाउंट से जब अकाउंट में जाते हैं तो क्रॉस में जाते हैं, ये राइट साइड में है तो इसकी कौन सी साइड आ जाएगी, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आप देखो, आपने मशीनरी में क्या लिखा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप क्या लिखोगे, मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगा, 7,500, डेट वही जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है वही वाली, ठीक है। अब इसको बंद किससे करेंगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसका सीडी नहीं निकाला जाता है, ये कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बस इसका यही सेम 2022 और 31 मार्च को यहाँ किससे क्लोज कर देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बस ये वाला ऐसे इसको बस बराबर कर देंगे। नेक्स्ट ईयर में फिर डेप्रिसिएशन है राइट में, यहाँ पे फिर से वैसे सेम आ जाएगा 2023 और 31 मार्च और टू मशीनरी अकाउंट 15,000, यहाँ पे फिर से वही P&L से इसको बंद कर देंगे 31 मार्च 2020, ऐसे नेक्स्ट सेशन का आप कंप्लीट कर लेंगे। ये सिर्फ आपको बताना था, जब अकाउंट से अकाउंट बनाते हैं तो क्रॉस ट्रांसफरिंग करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।